और महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने जंग पर बहुत बड़ा दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन पर 7 गुना ज्यादा हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेन के 8,000 के करीब सैनिक मारे गए हैं। सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन के 30% हथियारों को रूसी हमलों ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के हथियार लगभग खत्म होने वाले हैं। अब ऐसे हालात में अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि क्यों नेटो यूक्रेन को हथियार देने में आनाकानी कर रहा है। अगर इसी रफ्तार से रूस यूक्रेन पर हमला करता रहा तो रूस पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा नहीं कर पाएगा, बल्कि रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। हमलों में मारे यूक्रेन के 1,00,000 सैनिक, लगभग 2,60,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा करने वाला यूक्रेन अब पूरी तरह से जंग हार रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि यूक्रेन के पास मौजूद सभी तरह के हथियार पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुके हैं और खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन हर तरफ से कंगाल हो गया है। अब तक 80,00,000 करोड़ का भयानक नुकसान यूक्रेन को हो चुका है, जबकि यूक्रेन को नाटो से मिले 20-30% हथियार रूस तबाह कर चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि पिछले 60 दिन में यूक्रेन पर रूस ने 7 गुना हमले किए हैं, जिसने ज़ेलेंस्की के जनरलों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। रूस के इन तूफानी हमलों की वजह से यूक्रेन में कयामत जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम आपको वो खुफिया रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें यूक्रेन की हार और ज़ेलेंस्की के खिलाफ भयानक बगावत के जिंदा सबूत साफ साफ देखे जा सकते हैं। ज़ेलेंस्की और जनरल के खिलाफ बगावत शुरू। यूक्रेन भले दावा करे कि 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक जबरदस्त तरीके से रूस को तबाह कर रहा है, लेकिन हकीकत में रूस ने यूक्रेन के ना सिर्फ लाखों सैनिकों को मार डाला है, बल्कि नाटो के हथियारों का कचूमर निकाल कर रख दिया है। यूक्रेन अपनी जीत का ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है जिस पर खुद यूक्रेन के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि नाटो के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने यूक्रेन को भारी हथियार और F-16 जैसे लड़ाकू विमान देने में अब पूरी तरह से आनाकानी शुरू कर दी है। हम आपको दिखाते हैं कि रूस ने यूक्रेन की तबाही को लेकर क्या क्या दावे किए हैं। रूस की तरफ से ये दावे वहां के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किए हैं। साठ तरह के हथियार नाकाम, आखिरी रास्ता सरेंडर। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए एक सुरक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री शोइगु ने यूक्रेन की जीत के दावों की पोल खोल कर रख दी है। शोइगु ने डंके की चोट पर दावा किया है कि पश्चिमी देशों से जबरदस्त सैन्य सहायता के बावजूद यूक्रेन की सेना अपने टारगेट हासिल करने में बुरी तरह से फेल हुई है। शोइगु ने यहां तक दावा किया है, यूक्रेन के सभी तरह के सैन्य संसाधन और हथियार लगभग समाप्त हो गए हैं। शोइगु ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को नाटो से मिले घातक हथियारों में कुछ भी अनोखा नहीं था। नाटो के हथियार रूसी हमलों के सामने टिक ही नहीं पाए।
यूक्रेन के लिए नाटो के हथियार युद्ध के मैदान में अजेय नहीं थे। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб. 7 гуна русские хамле, 30% украинские хатьяр таба. रूस के हाहाकारी हमलों से पूरे यूक्रेन में तबाही मची हुई है। अब तो यूक्रेन की जनता भी ज़ेलेंस्की और उनके जनरलों के जीत के दावों पर यकीन नहीं कर रही है। इसके पीछे की कई बड़ी वजहें। पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर रूस की सेना ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाए रखा है। हालात ये हैं कि दक्षिणी यूक्रेन के 20% इलाके पर भी रूस की सेना ने कोहराम मचा रखा है। पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत शहर और उसके आसपास भी यूक्रेनी सेना रूस के तूफानी हमलों के सामने मटियामेट हो चुकी है। कुछ पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक 17 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जो यूक्रेन की हार का जिंदा सबूत बन गए हैं। जरा देखिए, पश्चिमी देशों के दावों के मुताबिक 17 महीने की जंग में यूक्रेन के 20% हथियार तबाह हो चुके हैं, जबकि रूस के कोर कमांडर्स के दावों के मुताबिक यूक्रेन के 30% हथियार रूस ने बर्बाद कर दिए हैं। इसके अलावा लीक हुए अमेरिकी सैन्य योजनाओं के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से मिले 99 ब्रैडली बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों में से 28 ब्रैडली बख्तरबंद वाहन रूस ने तबाह कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की 47वीं मैकेनाइज्ड की 3 बख्तरबंद वाहन ब्रिगेड में से एक ब्रिगेड रूस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट और सीएसआईएस के थिंक टैंक रिटायर्ड जनरल मिक रेयान ने भी दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त 5 मोर्चों पर बुरी तरह से घिर चुका है। अगर यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ते हैं तो मारे जा रहे हैं, और अगर पीछे हट रहे हैं तो रूस उन पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के टॉप जनरल्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि रूस की पहली रक्षा पंक्ति को कैसे तबाह करें। ज़ेलेंस्की और जनरल के खिलाफ बगावत शुरू। पिछले 60 दिन से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के जनरलों के लिए बेहद बुरे साबित हो रहे हैं। इस वीडियो में उतरे और घबराए चेहरे के साथ मौजूद ज़ेलेंस्की उन टॉप कमांडर के साथ मीटिंग कर रहे हैं जो रूस के भयानक और तूफानी हमलों का सामना कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की उनके जनरल और कमांडर्स के चेहरों पर दोष की बजाय बदहवासी जैसे हालात देख रहे हैं। पूरी तरह से बिना आवाज या कहें कि एम्बियंस के इस वीडियो में बेहद गंभीर चर्चा हो रही है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक ये वीडियो ज़ापोरिज़्या इलाके में एक अग्रिम पंक्ति का है, जहां यूक्रेन की एक ब्रिगेड रूस के हमलों का सामना कर रही है। 7 गुना रूस के हमले, 30% यूक्रेन के हथियार तबाह। रूस की सेना के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने एक बार फिर से बखमूत में कब्जा करने आ रही यूक्रेनी सेना के हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन सेना के 10,000 लड़ाकों ने रूसी सेना पर हमला किया ताकि बखमूत पर कब्जा किया जा सके, लेकिन रूसी सेना ने बखमूत के पास आ रही यूक्रेनी पलटन पर बड़ा हमला किया। रूस के ड्रोन पायलट ने रूसी सेना को यूक्रेनी सेना की सटीक लोकेशन देकर रूस की टैंक रॉकेट आर्मी का काम आसान कर दिया है। रूस के टैंक और रॉकेट के भयानक हमलों से यूक्रेनी सैनिक जंगल में भाग गए, लेकिन रूस के ड्रोन ने वहां भी यूक्रेनी सेना का पीछा नहीं छोड़ा और उनकी लोकेशन की सटीक जानकारी दोबारा रूस के टैंक और रॉकेट आर्मी को दे दी, जिसके बाद रूसी सेना ने जंगल में यूक्रेनी सैनिकों पर ऐसा प्रचंड हमला किया है कि एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचा। रूस के दावों के मुताबिक उसने महज 1 घंटे के अंदर बखमूत के जंगलों में 1,000 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला। 7 गुना हमलों ने मारे यूक्रेन के 1,00,000 सैनिक। В кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази.
हालात ये हो गए हैं कि अब यूक्रेन ना सिर्फ बुरी तरह से जंग हार रहा है बल्कि यूक्रेन की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा भी हारने लगा है। पूर्वी यूक्रेन में 35% और दक्षिणी यूक्रेन में 20% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के दावों के मुताबिक रूस पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इधर नाटो भी 20 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार देकर बुरी तरह से परेशान है। अब नाटो ने भी यूक्रेन के 4 जून 2023 से शुरू हुए काउंटर अटैक के फेल होने के बाद से यूक्रेन पर भड़कना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की हार का सबसे ताजा जिंदा सबूत नाटो के एक अधिकारी ने दिया है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के निजी कार्यालय के डायरेक्टर एस्टियान जेंसन ने यूक्रेन पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एस्टियान जेंसन ने रूस के पक्ष में या कहीं कि रूस को फायदा पहुंचाने वाला बयान दिया है। एस्टियान जेंसन ने यूक्रेन को सुझाव देते हुए कहा है, मुझे लगता है कि यूक्रेन के लिए सबसे अच्छा समाधान यही हो सकता है कि वो उन इलाकों को छोड़ दें जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। बदले में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाएगी, यानी यूक्रेन रूस को अगर जमीन दे देता है तो फिर नाटो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बना लेगा। नाटो के अधिकारी का ये बयान यूक्रेन की हार का जिंदा सबूत है। एक तरफ यूक्रेन को नाटो से मिला धोखा और दूसरी तरफ रूस का लगातार यूक्रेन के बंदरगाहों के तबाह होने से जेलेंस्की के होश उड़ गए। Ще одне, те, що варто почути і побачити зараз усім в світі. Минулої ночі російські терористи знову вдарили цілеспрямовано по нашим портам, по тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної світової продовольчої безпеки. І лише за один місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома. Zelensky और जनरल के खिलाफ बगावत शुरू। Zelensky और यूक्रेन के ताजा हमलों से साफ हो चुका है कि यूक्रेन रूस के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि यूक्रेन की जंग पर यूक्रेन के अंदर ही दो गुट बन गए हैं जो Zelensky और उनके जनरलों के खिलाफ बगावत करने पर उतारू हो चुके हैं। अमेरिका की मैगजीन न्यूज वीक ने यूक्रेन में शुरू हुई बड़ी बगावत का दावा किया। न्यूज वीक के दावों के मुताबिक यूक्रेन की जनता ना तो यूक्रेन के काउंटर अटैक के दावों पर यकीन कर रही है और ना ही यूक्रेन की जीत के दावों पर भरोसा कर रही है। दावा किया गया है कि जंग के चलते यूक्रेन में दो गुट बन चुके हैं। पहला गुट Zelensky के साथ है जो दावा कर रहा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक सही तरह से चल रहा है और काउंटर अटैक सफल होगा। Zelensky के पक्ष वाले इस गुट में यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी जालुजन भी शामिल है। इस गुट का साफ कहना है कि चाहे भले ही नाटो बुराई करे या फिर यूक्रेन की जनता, सेना का काउंटर अटैक चलते रहना चाहिए। जबकि Zelensky और जनरल वालेरी जालुजनी के खिलाफ एक दूसरा गुट यूक्रेन में है जो Zelensky को हर हाल में सत्ता से हटाना चाहता है। Zelensky विरोधी इस गुट का साफ दावा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है और जंग की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की तबाही के लिए अब Zelensky को हर हाल में सत्ता से हटाना होगा। 7 गुना हमलों ने मारे यूक्रेन के 1 लाख सैनिक। यूक्रेन में बॉर्डर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मायूसी और तबाही का आलम साफ देखा जा सकता है। इधर रूस के 7 गुना हमलों ने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है, जबकि नाटो को समझ आ चुका है कि रूस को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल है। यही वजह है कि अब यूक्रेन जंग के उस दौर में पहुंच चुका है जहां जान बचाने का सिर्फ एक रास्ता बचा है, रूस के सामने सरेंडर।